अस्सलाम वालेकुम। स्टारबक्स अमीन की याद आ रही है, क्योंकि स्टारबक्स में मैं नहीं पीती हूँ तो भी वो जिद करता है। अब ये भी मुझे बोले कि हॉट कॉफी पी ले। इतनी नींद आ रही है, इतनी थकावट हो रही है ना कि पूछने की बात नहीं। जजाक अल्लाह, पहुँच गए सही सलामत, लेकिन थोड़ा सा फ्लाइट ने डिले टाइम हो लगाया, गया। डिले हो गए ना, लेट हो गए। वन चलो ओवर अब चलो, ड्राइवर का भी फोन आ गया। जैसे फ्लाइट लैंडिंग करी ऐसी रिंग बजी, पहला फोन ड्राइवर का। चलो अब बैठते गाड़ी में, इंशाल्लाह। फिर भूख भी लगी है थोड़ी बहुत, और लेकिन मैंने KFC में जो ली थी वो मेरे पास है स्टॉक में, देखते हैं। फिर हमारे आने के पहले ही हमारे ड्राइवर भी आ गए और लगेज हमारा अंदर आ गया गाड़ी के, और अभी हम भी बैठ रहे अंदर। मेरा पूरा अखा बर्गर मैं खाई नहीं वहाँ पे ये, और अयूब बोले मैं आगे बैठ जाता हूँ तो बर्गर तो खा और थोड़ा सा आराम भी कर ले पीछे। बर्गर थोड़ा खा लो। नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैंने हाफ खा लिया। लो हमेशा की तरह मैं थक जाती हूँ तो रास्ते में ही जेवर निकाल देती हूँ, तो अभी भी मैंने निकाल दी। अब यहाँ एक जगह रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है और काफ़ी लेट भी हो गया है। फ्लाइट लेट होने की वजह से सब जो टाइम है वो आगे पीछे हो गया है। जैसे हमें पहुँचना था, फिर वो हिसाब से हमें फिर उठना था, दरगाह जाना था। तो मैंने बोली भी थी कि अभी तहज्जुद मैंने जब शुरू करी हूँ तो ये बार इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो दरगाह में जाके ही पढ़ेंगे। और जैसे कि अयूब से शादी की थी, और अयूब को पहली बार जब मैं सोशल मीडिया पे चेहरा दिखाई थी तो उस टाइम भी हम लोग गरीब नवाज में तहज्जुद पढ़ने गए थे ना अयूब। पहली बार भी अपना है ना। हाँ। ओ भाई किधर है? ओ भाई कहाँ गया? मस्त चाय बनी हो, चाय तो बहुत अच्छी दिखती है अयूब। निजाम भाई टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। कैसी है अयूब चाय? एकदम बेस्ट चाय, मजा। और एक चाय एक्स्ट्रा रखे ना आपने ऊपर मंगा के? मैंने एक अलग से रखी, देखो मैं बोला मैं दो पीऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत टेस्ट लगा। देखो हाँ, तो अभी थोड़ी ठंडी होने दो, तब तक लगी मैं पी लेती हूँ। मेरा दिल करे तो मैं भी एक कद घुट मारती हूँ। चाय भी पी ली, और जैसे जेवर निकाली थी वैसे ही अभी ये फूल भी निकाली, सूख भी गए, और बहुत अभी खंटाल भी आ रहा है। और माशाल्लाह यहाँ का मौसम भी काफी अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंडी है, ना यू दरमियाना मौसम है। पता नहीं आगे शूट होगा या नहीं होगा, बिकॉज बैटरी एकदम लो हो गई है। अगर कुछ आगे लगा मुझे शूट करने जैसा, बैटरी रही तो कर पाऊंगी, नहीं तो फिर होटल जाने के बाद। वैसे भी होटल जाने के बाद तो हम लोग सोने वाले नहीं है, जाके फ्रेश वगैरह होके फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो जाएंगे दरगाह, और तहज्जुद पढ़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़ के फजर पढ़ के इंशाल्लाह फिर होटल आने का इरादा है। तो देखो अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो सारी चीज़ें जो सोची वो पूरी होगी। एक चीज़ मैं हमेशा बिलीव करती हूँ अल्लाह पाक पे कि जो आप सोचते हो, जो आप चाहत रखते हो, अगर वो सच्चाई है तो अल्लाह पाक उसको बढ़ चढ़ के आपकी किस्मत में वो देते हैं। और कुछ स्टोरी मैंने देखी तो बहुत दिल को दुखा कि मैंने तो सोची भी नहीं थी। मैं तो बस अपने ख्यालों में अपने चीज़ों में रहती हूँ, और ये जो चीज़ें हुई है ना अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन जानिए इससे मुझे कोई मलाल नहीं। इससे ऐसा मुझे लगता है कि मैं मेरे अल्लाह के करीब बहुत ज़्यादा गई हूँ, और जो मेरे बच्चों को सीखना चाहिए ज़िंदगी में वो चीज़ें बच्चे मेरे सीख रहे, क्योंकि इतने मेरे बच्चे होशियार नहीं है। तो जो चीज़ें हो रही है उसको वो लोग सर्वाइव कर रहे, तो उससे बहुत कुछ सीख रहे। और कहते हैं ना कि जब आप खामोश होते हैं ना तो तब कुदरत जवाब देती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मैंने स्टोरी में देखी हूँ, और उसके बाद अचानक से मैं नहीं आ रही थी, मैं अयूब को बोली कि कल जाएंगे, क्योंकि हमारी तो बातें होते रहती है, और अभी इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि हर छोटी छोटी बातें अयूब की हो या फैमिली की हो मैं सोशल मीडिया पर दिखाऊँ। मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं तो वो मेरे लिए बहुत कीमती है, तो मैं उसको अब अपने तक संभाल के रखने की कोशिश करती हूँ। पर अयूब ने बहुत ज़िद करके ये टिकट मारे और जाने के लिए मेरे को बोले कि चल जैसा भी है जाके आते। और जब मैंने स्टोरी देखी तो मैंने अल्लाह का फिर ऐसे शुक्र अदा की, मैंने बोला अल्लाह पाक
जब हम खामोश होते हैं ना तो कुदरत जवाब देता, वो आपने साबित किया और वो आपने सारे सारे मतलब सारे दुनिया के सामने वो चीज़ करके दिखाई। क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो आप भी देखते हो, और जो चीज़ आप देखकर मुझे देखते हो समझते हो तो आपको भी पता है। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह पाक पे हमेशा यकीदा रखिए, वो कभी आपके साथ बुरा होने नहीं देंगे। ये फिर से हम लोग आ गए मानसिंह पैलेस, और सामान तो हमारा आ चुका था लेकिन हम सारे एक्टिविटीज़ करके अभी जस्ट आए, और बता रहे थे हो कि अभी पहले से अच्छा रूम है ना, सब रिनोवेट किए हैं मैम, रिनोवेट किया, अच्छा भी लग रहा है। सुबह दिखाऊंगी क्योंकि अभी मुझे तैयार होना है, फ्रेश होना है और फटाफट जाना है दरगाह पे। और ये है अली बाबा का खजाना। तो बैग भी खोल दिया मैंने, कपड़े भी निकालना है, अयुब तो चले भी गए बाथरूम में। ये मैंने बोली थी मेरे पर्स में रखने, क्योंकि फ्लाइट में मुझे इतने गर्दन में तकलीफ हो रही है, और अम्मी ने इतना अच्छा वाला ये पिलो लिया है कि जब आपको चाहिए तब आप इसको फुला लो और जब नहीं चाहिए तब ऐसे करके रख दो, इसी वजह से ये इसमें रह गया। और ये वाली शॉल तो जब हम नए नई शादी हुई थी और अयुब उदयपुर इधर अजमेर फिर दिल्ली गए थे, तो दिल्ली में ये ओरिजिनल स्टॉल है जो कश्मीरी होती है ना, ये ओरिजिनल है, तब उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। और ये तो मदीना शरीफ से लाई हुई जाने माजे, जो मेरी दिल में ख्वाहिश है कि जब भी जो भी जगह पे मैं ज़्यारतों पे जाऊँ वहाँ नमाज़ पढ़ूँ तो इस पर ही पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो मैं सोचती हूँ भले थोड़ी दूर हो जाती हूँ फिर उस पर लाकर खड़ा कर देते, वो बहुत अल्लाह का करम है। और उसके साथ साथ अभी बस थोड़े से कपड़े देख लेती हूँ कौन से निकालूँ कौन से नहीं, और फिर तैयार होकर जल्दी जल्दी निकलते हैं दरगाह की तरफ। ये न्यू वाला गाउन है जो मैं रखती हूँ नियत करके कि जब दरगाहों पे जाऊँ तो पहनूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रहते ही है मेरे पास। तो आज सारा कॉन्सेप्ट जो है ब्लू कलर का है, तो इसीलिए मैंने गाउन भी ब्लू कलर का ही ली थी। तो ये निकाल लेती हूँ, बस इसके अंदर तो दुपट्टा भी रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है इसके अंदर, तो यही निकाल लेती हूँ। और थोड़े बहुत सामान अभी टेबल पर लगाती हूँ, जैसे कि परफ्यूम है, रजनीगंधा है, और ये थोड़ा सा मेकअप है, और ये दवाई है। अभी हम हो गए तैयार और जा रहे दरगाह। अभी बजे सुबह के 4:15, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी यहाँ का टाइम नहीं पता कितने बजे की फजर है, तो उसके पहले पहुँचना है। तो बस जल्दी से ऑटो मिले क्योंकि हम लोग दरगाह से थोड़े दूर रहते हैं। और ये ले लिया मैंने अपनी जानेमाज, और अयुब टोपी लाना भूल गए, मैं रखना भूल गए एक्चुअली, है ना, तो वहाँ से ले लेंगे। बोली थे ना यहाँ ऑटो का बहुत प्रॉब्लम है, दूर दूर तक भी कोई ऑटो नहीं दिख रही, ना आगे ना पीछे, बस अल्लाह करे मिल जाए और टाइम पे पहुंच जाए हम लोग, है ना। अल्लाह का शुक्र है हम लोग को गेट के एकदम दरवाजे तक रिक्शा छोड़े, शुक्र अल्लाह पाक का। सुबह सुबह बस अभी तहज्जुद पढ़ने का टाइम बाकी है, इंशाल्लाह पढ़ लेती हूँ नमाज पढ़ के, तहज्जुद पढ़ के, सब चीज़ें करके इंशाल्लाह जाऊंगी। और जो दिल में ख्वाहिश थी ख्वाजा साहब ने आज वो भी पूरी कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने लोग बैठे हैं देखो खिदमत में। नजारा ना एकदम रूहानियत लगती है। बस अब जा रहे हैं होटल, और गरीब नवाज से कोई भी दिन आओ मोहब्बत कम नहीं करते, बेशक बेशक। और जैसे गरीब नवाज के चाहने वाले यहाँ दौड़ कर आते, मैं आती तो उनके चाहने वाले मुझे दौड़ कर आते, और ये चाहत सरकार ने दी है, बेशक। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो जिसकी है जो जिस चीज का हकदार है अल्लाह उसको वो अता करे, और उसका वसीला बने गरीब नवाज, और जिसके वसीले गरीब नवाज है वो कोई चीजों से महरूम नहीं रह सकता।
ये मुझे महसूस है और ये मैं जानती हूँ। तो चलिए अब जा रहे हैं होटल। देखते ब्रेकफास्ट में क्या है। अयूब तो गए जानेमाज रख के, दवाई लेकर आता हूँ। तू बैठ बोले, तब तक मैं चेक कर लेती हूँ क्या है। ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो खाऊंगी मैं। और इसमें क्या है, पूरी भाजी। हाँ पूरी भाजी। ये क्या है, ओ हमारी फेवरेट इडली। दवाई का डब्बा भी लेकर आ गए और मैंने दवाई भी खा ली, बस ये एक गोली बाकी है। मैंने आज पी हूँ जूस, क्योंकि नारियल पानी अभी ले रहे थे अयूब, तो मैंने बोला नहीं आज जूस में दवाई पीती हूँ। और नाश्ते में ये सब लिया है मैंने, और इसके साथ में इडली गर्म आने वाली है तो इडली मंगाई हूँ। और ये सब नाश्ता है, बस कितना खाऊंगी वो मुझे भी नहीं पता है। मैं सोची सब ले लेती हूँ, अयूब भी साथ में रहेंगे तो टेस्ट कर लेंगे। आना सागर दिखाऊँ आप लोग को, ये देखो ये पूरी आना सागर है, कितने मस्त भरी हुई। अभी हम लोग वहीं से आए, जब ना दरगाह से घर इधर आ रहे थे होटल, तो वहीं से क्या हवा चल रही है, क्या हवा चल रही है। शायद आपको आ रही होगी थोड़ी बहुत आवाज़, बहुत हवा बहुत अच्छी चल रही है देखो, है ना। बहुत अच्छा मौसम हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही अच्छा मौसम हो गया। और अभी थोड़ा देर आराम करेंगे क्योंकि पूरी रात के जगे हुए, और फिर इंशाल्लाह उठ के फिर जाएंगे सरवार शरीफ। सुबह नाश्ता करके चाय मंगाई थी और ऐसे ही आके सो गए, चाय भी नहीं पी, तो सोची अभी गर्म कर इसको पी लूँ। जस्ट ये केतली ऐसे थी, मैंने बस ऐसे किया और एक ग्लास की हालत देखो, पूरा वहाँ तक बिखर गए इसके जो कांच है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये। और पूरे पूरे ज़मीन पे टुकड़े बिखर गए इसके। अब मैं तो हमेशा बचपन से यही सोची हूँ कि ऐसा कुछ होता है तो बलाएँ रहती हमारे पर बहुत बड़ी, जो अल्लाह पाक इस तरीके से टाल देते हैं, निकाल देते हैं। आप यकीन करेंगे इसके कांच के टुकड़े देखो बारीक बारीक कहाँ तक गए इसके कांच के टुकड़े। अल्लाह रहम करे और रफा क्या बोलते हैं, बलाओं से और मुसीबतों से तमाम बचा कर रखे। चाय पीने की तलब, क्योंकि नींद में से उठो तो चाय की तलब बहुत ज़्यादा लगती है, और देखिए आपने तो। खैर कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब आएगी गाड़ी क्योंकि जाना है सरवार शरीफ। मुझे नियत थी कि असर मुझे वहाँ पढ़ना है, और हो सके तो मगरिब पढ़ के वहाँ से निकलना है। तो बस अभी सुबह तो नहा धो के फ्रेश थे, बस अब थोड़ी सी नींद मिली तो फ्रेश हो गए। नहीं नहीं अब उठ जाओ चलो, तो अब थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और इंशाल्लाह फिर तैयार होते फटक करके फिर निकलते बाहर। थोड़ा सा पानी निकाली और आ गई ये गर्म करके चाय, तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ ताकि माइंड हो जाए फ्रेश, और उसके बाद फिर होती हूँ तैयार। क्या मस्त स्टीम निकल रही है ना चाय में से। निकालने तक कपड़े पहन लेते अयूब की भी, चाय निकाल देती हूँ। पेनी रेला ढक्कन बराबर खोली ही नहीं मैंने, देखो तो गरम मस्त है। लेकिन लो पानी पी रहे हो, चाय पियो ना। कपड़े तो पेन होने तो दिखा दो ऐसा गंदा सा। हाँ। माशाल्लाह हो गए तैयार, और मैंने पहनी हूँ पंजाबी ड्रेस प्योर धोती टाइप। हाँ। और सेम थोड़ा सा मैचिंग करता हुआ अयूब का भी ड्रेस। और मैं आपको बताऊँ, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, मैचिंग जो कपल्स पहनते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि वो हमने ही निकाला, ट्रेंड हमने ही निकाला। हाँ। तो चलिए बहुत ज़्यादा धूप है, गाड़ी तो आ गई है, और जजाक अल्लाह ये वो जगह है जहाँ हमारी शादी के बाद पहली बार हम यहाँ आए थे। और जब वो अभी बीच में हमारी जो फिर से तूतू मैमे के बाद मिले थे, कि कहाँ गए थे अपन, लेक विनोरा। और अभी आपको बताऊँ बहुत ज्यादा हमारे, क्योंकि मेरा मगज ठिकाने पे रहता नहीं, तो आए दिन मेरी चालू रहती मच मच मच। नहीं नहीं दूसरा फिर ऊपर वाले यहाँ लेकर आ गए हम लोग। और दूसरा क्या, मेरे पास अभी काम है, मैं काम में क्या बारगांव बारगांव रहता हूँ। सर आप उधर से चले आ रहे हो, ठीक है चलो, थैंक यू भैया। हाँ जी हाँ जी, 50 जी जी दोनों जगह। एक 2 मिनट आगे लो, मस्त अभी टाइम पास खाओ।
ढूंढ कर लेकर आए आखिर मिल गया। देखो मुझे ये लाना भूल गई थी वहां से, तो मुझे ये सब बांटना रहता है जहाँ कैश बांटना है, ढूंढ कर लेकर आए। थैंक यू अयूब। नहीं याद नहीं आता। आप भैया वही बोल रहे थे ना नहीं मिलेगा, वो ये आदमी बहुत जिद्दी है। अच्छा है। और देख दे, नीयत जब आप साफ रखते हो ना तो ऊपर वाला सब चीज आपका आसान करता है। आधा सिंपल लंच, तड़का मार के मैंने खिचड़ी बोली थी, पर तड़का देख के डर लग रहा था, वो तो तीखा नहीं है, बटर बोला था मैंने और मिर्ची आई। टेस्ट करके बताओ। अचार मंगा लो उसके साथ। ये मेरे लिए पापड़ स्पेशल, मेरा सादा पापड़ आओ बिस्मिल्लाह करने के लिए। हाँ तो मस्त हो गया, अब खाने के बाद चाहिए तड़का, क्योंकि अयूब तो वहाँ खड़े रह के पी रहे सिगरेट, मैं तड़का लगा लेती हूँ खाने के ऊपर। हो गया तुम्हारा तड़का मार के, लो दूसरा तड़का मारो। सिगरेट का पहला तड़का, दूसरा तड़का रजनीगंधा। मैंने तो एक ही तड़का मारी, देखो खा लिया मैंने रजनीगंधा। सबसे पहले पहुंचे हम लोग टाटू टी शरीफ, 15 मिनट हुआ है अभी नमाज खत्म हो के, और मैं कर लेती हूँ वजू, नमाज वगैरह पढ़ के फिर देखती हूँ जैसा भी रहेगा। ये टाटू टी शरीफ कासिम बगदादी की ज्यारत, और मैंने जब यहाँ कदम रखी थी पहली बार तो मुझे यकीदा था कि मैं बगदाद शरीफ जाऊँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो यकीदा मेरा पूरा हुआ। तो आज भी बस इनके दर पे दुआ कर कर जा रही हूँ कि जो मांगी हूँ बस वो पूरा हो और खैर खैरियत से हमारी ज़िंदगी गुजरे। और चलिए फिर आगे थोड़ी सी बात और करनी है इंशाल्लाह। ये बोलना था कि मैं हर बार आती हूँ तो जो पैसे तकसीम करती हूँ, जो सफ़र का जो भी रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने, बस ख्वाहिश रखती हूँ, ख्वाहिश मेरी पूरी होती है। और इस बार ऐसा हुआ कि मैं आ नहीं सकी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर काम में लगे हुए थे, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। तो इस बार जो मुझे लेकर आए, ये मेरे शौहर लेकर आए, मैंने अपना एक रुपया मेरा इसमें लगा नहीं। और यहाँ तक के जो मुझे तकसीम करने की ख्वाहिशें रहती है, ये कमाई के जो इनकी मेहनत की कमाई का जो ये पैसा ये तकसीम करने मुझे दिए, क्योंकि ये मेरे दिल में हमेशा ख्वाहिशें रहती है जब भी मैं आती हूँ। तो अरे दुनिया कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे शोहर के हाथ पैरों में इतनी ताकत दे और उसके दिल में मेरे लिए हमेशा मोहब्बत दे, इज्जत दे, और मेरे बच्चों की किस्मत बुलंद करे, बस यही मांग कर जा रही हूँ। और यहाँ से मैं बगदाद शरीफ गई हूँ बड़े पीर सरकार के दर पर, बस वो यहाँ से मेरी अरज सुने, और वो जानते हैं मेरे दिल में क्या है, और वो जानते हैं कि मेरी अखलात क्या है और मैं क्या हूँ। मुझे दुनिया को बताने की ना कभी कल जरूरत थी ना आज जरूरत है, ना हमको क्या जरूरत है, बस यही दुआ करती हूँ कि इनके दिल में मेरी मोहब्बत रहे, इज्जत रहे इनकी नज़रों में, मेरे बच्चों के दिल में और उनकी आँखों में मेरी इज्जत रहे, बस यही दर्द, ये हर दर से मैं यही मांग कर जाती हूँ, और अल्लाह पाक इसे कबूल करे। मैं जब अपनी ज़बान को खामोश करती हूँ तो मैं बहुत यकीदा करती हूँ कि खामोशी में ही दुनिया है, और जब हम खामोश होते हैं तो कुदरत जवाब देती है। माशाल्लाह ये टाटूटी शरीफ का लुबान शरीफ है, लुबान हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बच्चे अभी बस ये भी बोले कि मुझे बांट देना दूसरी जगह, तो अल्लाह पाक मेरे शौहर के कमाई में बरकत दे, मेरे बच्चों की किस्मत बुलंद करे, और तमाम मोमिन जो भी मुझे देखते हैं तो अल्लाह पाक उनकी भी हर मुसीबत बलाए दूर करे परवरदिगार। और दिल में ख्वाहिश थी कि असर की नमाज टाटूड़ी शरीफ में पढ़ूँ, क्योंकि कासिम बगदादी जो है बड़े पीर सरकार के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। और मगरिब की नमाज की ख्वाहिश रखी हूँ कि शरवार शरीफ जाऊँ, तो इंशाल्लाह वहाँ जा रही हूँ, टाइम तो है। और जज़ाकल्लाह, जो भी सोचती हूँ अल्लाह पाक गरीब नवाज उसे पूरा करते हो। और ये भाई तो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। और जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं यहाँ आई पहली बार और मुझे यकीदा था कि बड़े पीर सरकार के दर पर जाऊँगी, और इन्होंने उस टाइम ऐसी बातें बताई, ऐसी दुआ की, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और सरकार का उरूस से मुबारक है हुजूर सैयदना हजरत शेख कासिम बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ईद मिलादुन्नबी की 25 तारीख जी 25 रबीउल अव्वल को सरकार का उरूस से मुबारक है।
तमाम आशिके गौसे आजम तशरीफ लाए, सरकार का फैज हासिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो ये मौका सबके लिए, ये खिदमत भी अल्लाह ने मेरी नसीब में रखी और मेरे वीडियो के जरिए इतनी अच्छा मैसेज अल्लाह पाक बाहर जा रहे भेज रहे, बस इसके सबके तुफेल में बस हमारे ऊपर भी उनकी नजरे करम बनी रहे और आप लोगों आप जैसे लोगों से हमारे ताल्लुकात जो मीठे है वो हमेशा बने रहे। चलिए जज़ाकअल्लाह। चलो आ गए अभी हम लोग यहाँ पे और इंशाल्लाह बस जा रहे, क्योंकि मेरी मगरिब की नमाज का टाइम हो गया तो पहले नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद सब चीज़ें शूट भी करूँगी और आप लोगों से बातें भी करूँगी। जो सोच कर आई अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पूरा हुआ है, क्योंकि मैंने नियत की थी कि मगरिब की नमाज़ यहाँ अदा करूँगी और माशाल्लाह मगरिब की नमाज़ मैंने यहाँ अदा की और टाटूटी शरीफ में असर की नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, जो तकसीम करना था वो तकसीम करी। जज़ाकअल्लाह अल्लाह पाक ने हर दिल की ख्वाहिशें मेरी पूरी की हैं। और कहते हैं कि पीर वलियों के दर पर जब उनका हुक्म होता तभी हम जा सकते हैं, तो ये उनका हुक्म है और इस बार मेरे अयूब की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। जज़ाकअल्लाह कि मैं लास्ट तक भी बोल रही थी कि नहीं आज नहीं जाना, पर मैं नहीं जानती कि क्या किस्मत में लिखा है और क्या अल्लाह चाहते हैं, पर ज़रिया वही रहता है कि जो वो चाहते हैं वही होता है। तो बस बातें तो बहुत सारी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सोच रही हूँ कि इसका जो ब्लॉग का एंड है यहीं पर करूँ, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं और इंशाल्लाह वो मैं आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह का हुक्म होगा। और बस यही दुआ करती हूँ कि जैसे गरीब नवाज सरकार ने मुझे नवाजे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी नस्बत रखते चाहत रखते तो उनको नवाजें, तो बस यही दुआ करती हूँ उनके दर से, उनके बेटे के दर पर बैठी हूँ। और ये तो बहुत जलाली है, इनसे तो इनके सामने तो बात करने भी डर लगता है, लेकिन जिनसे मोहब्बत कर देना तो उनके दर पर आके डर नहीं लगता, उनसे मोहब्बत होती है। तो बस इनके दर पे यही दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमेशा हमें इनके दरों से जोड़ के रखे, इनकी मोहब्बत हमारे दिल में हमेशा बरकरार रखे और जो हमारी खताएं बस ये हमारे हक़ में अल्लाह पाक से दुआएं करें कि हम इनके पास आते हैं बड़ी उम्मीदों से। तो बस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द फिर हम यहाँ आए और नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और अच्छी चीज़ें आपको दिखेगी और आपके हक में हमेशा हम दुआ ही करते हैं और यही दिल से चाहती हूँ कि आप भी हमेशा हर किसी के हक में दुआ कीजिए। वैसे तो दुआ हमारे लिए हम खुद करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह पाक के पास हम खुद अपनी दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया कि तू किसी से क्यों मोहताजी रखता है, तू खुद आ मेरे पास, मैं खुद तुझे दूँगा। तो मैं हमेशा ये यकीदा रखती हूँ, पर ये चाहती हूँ कि हर किसी के लिए अच्छा सोचिए तो इंशाल्लाह हमारे हक में भी अच्छा ही होगा। तो चलिए फिर बहुत अच्छी जगह पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरकरार रखे, आपके बच्चों से आपके घर वालों से आपकी मोहब्बत बनाए रखे और हमारे जो हमारी फैमिली की मोहब्बत है, मेरी ये फैमिली हो या सूरत की फैमिली हो, हमेशा उसमें मिठास रखे, मोहब्बत रखे और दुश्मनों की बुरी हदसों से, नज़रों से, गंदी नज़रों से, गंदी सोच से हमारे जैसी तमाम फैमिली और हमारी फैमिली को बचा के रखें। चलिए अल्लाह हाफिज़।